नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी मोहम्मद पलकज सर। इस समय इंडी अनाज मंडी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि गेहूं खरीद करने से पहले विधि विधान के अनुसार जो है ना आज हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और जो मंडी एसोसिएशन के प्रधान हैं उनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया। और आपको बता दें कि साथ ही जो गेहूँ की खरीद है वो भी शुरू तो यहाँ से आज का दिन बहुत शुभ दिन है और आज नवरात्र के पावन दिनों में आज दूसरा नवरात्र है। आज हमने हवन यज्ञ किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से संपन्न भी हुआ है। आप भी वहीं पर मौजूद थे आज और अभी जो हमारी खरीद भी शुरू हो गई है आज। और आज बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ मैं सरकार को भी और सभी अपने आड़ती भाइयों को भी और अपने इंस्पेक्टर साहब जो DFSC के संदीप शर्मा जी के और मार्केट सचिव जी सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया दिन है और बहुत ही अच्छी कनक आई है और पहली ड्रिप की अभी खरीद हो चुकी है और ये खरीद सुचारू रूप से चलती रहेगी। और भगवान से परमात्मा से यही करते हैं, कामना करते हैं भी सब काम सुचारू रूप से चले। बंदोबस्त बहुत बढ़िया है, बारदाने की समस्या कोई नहीं है, लिफ्टिंग का थोड़ा स्टेप से हमने पूरा आश्वासन दिया कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी दोबारा कल भी हमारी मीटिंग हुई थी और जाम वगैरह की कुछ स्थिति होगी तो बाहर भी हमने अभी स्पेस मांगा है। किसानों को बोला है भी सुखा कर ही फसल लेके आए ताकि किसी को वहाँ किस तरह की दिक्कत ना आए, इसमें अधिकारियों को भी दिक्कत ना हो, आड़ती को भी दिक्कत ना हो, मजदूरों को भी दिक्कत ना हो और सब काम सुचारू रूप से चलता रहे। मेरी सभी से यही मंडी से सब लोगों को ये शुभकामनाएं हैं कि सब काम आज जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और ऐसे ही काम हमारा सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। खरीद सुचारू रूप से शुरू हो गई है। हाँ, आज खरीद हमारी सुचारू रूप से शुरू हो गई है और अभी अभी आपके सामने देखा है कितना बढ़िया बहुत साफ़ सुथरा गेहूँ आया है मंडी में जो अभी पहली डेरी लिखी गई है। और अभी आज कल हमारी मंडी में 3-4 हज़ार क्विंटल गेहूँ आ चुका है। कल जो किसी माल में थोड़ी बहुत नमी थी उसको पूरा दिन सुखा के उसको तैयार कर लिया गया और अभी इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा था सुखा कर ही माल लेके आए, हमने उसका मैसेज भी डाल दिया है और आपके माध्यम से भी हम किसान भाइयों को भी कहते हैं सुखा कर ही अपनी फसल लेकर आएँ ताकि मंडी में किस तरह की कोई दिक्कत ना हो। जी, आज अनाज मंडी इंद्री में सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है गेहूँ की और यहाँ पर दो एजेंसियाँ डिप्यूट की गई हैं, फूड सप्लाई और हैफड। और आज हैफड ने खरीद शुरू कर दी है, फूड सप्लाई ने खरीद शुरू कर दी है, हैफड दोपहर के बाद शुरू कर देगी। और मंडी में लगभग 4400 क्विंटल के आसपास गेहूँ आ चुकी है और आपसे पहले जो है खरीद ना होने का कारण ये था, अभी थोड़ा गीली थी और नमी ज़्यादा थी, लेकिन आज नमी ठीक है और जो सरकार के मापदंड है 12% से 14% तक MSP रेट 2275 रुपये किसान भाइयों की जो है बिकेगी गेहूँ। और उसके लिए हमने मंडी में जो है मार्केट कमेटी द्वारा जो भी व्यापक प्रबंध है सारे व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और जैसे गेटों पे किसान भाई अपनी लेकर के आएगा गेहूँ की फसल, गेट पे उसको ऑनलाइन गेट पास दिया जाएगा और वो अपने संबंधित आड़ती के फड़ पे अपनी वो रैली को जो है गेहूँ को उतारेगा और उसके बाद उसकी बोली करवाई जाएगी और बोली ऑनलाइन होगी ऑक्शन। ऑनलाइन ऑक्शन होने के बाद फिर उसकी जो है ये JFarm iFarm आड़ती अपनी ID से बनाएगा ई खरीद पोर्टल पे और उसके बाद वो रेडी टू लिफ्ट करेगा आड़ती, उसके बाद लिफ्टिंग होगी और गोदाम में उतरेगी, उसके बाद उसकी ऑनलाइन अदायगी जो है उसकी फसल की जो भी वैल्यू बढ़ेगी उसके किसान भाई के खाते में आएगी जो कि सारे मेरी फसल मेरा द्वारा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो किसानों के लिए क्या सुविधा है मंडी में सर? किसानों के लिए मंडी में एक तो मार्केट कमेटी के कार्यालय में किसान सहायता केंद्र बनाया गया है जी। किसी भी किसान भाई को अगर कोई दिक्कत होगी, कोई भी उसको समस्या होगी तो वहां आकर के वो अपनी समस्या नोट कराएगा, उसकी समस्या का तुरंत समाधान करवाया जाएगा। तो ठहरने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था, पानी की क्या व्यवस्था? जी, यहाँ पर 8 वाटर कूलर हैं अनाज मंडी इंद्री में, सभी टंकियों की और कूलरों की सफाई करवा दी गई है और सभी कूलर सही काम कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था ठीक है मंडी में और लाइट व्यवस्था भी ठीक है और किसानों के ठहरने के लिए रुकने के लिए किसान विश्राम गृह भी है और कैंटीन की एक जो इस साल से 1 मार्च से जो कि उद्घाटन हुआ है अटल किसान मजदूर कैंटीन, उसमें केवल 10 रुपये टोकन कटवा करके पर पेट खाना कोई भी खा सकता है, किसान मजदूर मंडी का कोई भी खा सकता है। उसके लिए विशेषकर किसान भाइयों के लिए ये सुविधा मंडी में इस साल इंद्री मंडी में ये शुरू की गई है। तो बारदाने को लेकर, बारदाने के बारे में खरीद एजेंसियाँ हैफड और फूड सप्लाई को की मीटिंग कर की जा चुकी है उनके साथ और जितनी हमने असेसमेंट कर ली है अभी लगभग इतनी कनक आएगी, लास्ट ईयर 8 लाख क्विंटल आई थी उसके हिसाब से थोड़ा एक्सेस वो जोड़ते हुए जो है बारदाने की व्यवस्था एजेंसियों के पास पर्याप्त है
और ट्रांसपोर्टर के साथ भी मीटिंग की गई है कि वो जो है जैसे उसके पास उठान का टेंडर है मंडी से, वो जितनी भी रिक्वायर्ड होंगे ट्रक और लेबर का प्रबंध वो करेगा, उसको बोल दिया गया है और मंडी में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा खरीद का कार्य सुचारू रूप से चलवाया जाएगा और इसके लिए मेरी किसान भाइयों से भी अपील है कि वो कच्ची व हरी जो है अपनी गेहूँ ना कटवाएं और पक जाने पर ही कटवाएं, और क्योंकि 12-14% मोस्टर की पूरे रेट पर बिकेगी और ताकि उनको इंतज़ार ना करना पड़े, उनके सेम डेट में उनकी बिक जाए और उनको जो है कोई असुविधा ना हो। और आढ़तियों से मेरी ये अपील है कि वो सड़क के बीच में न करवाएं। जो पीली पट्टी इस बार हमने लगवाई है वो व्हीकलों के आवाजाही के लिए, किसान भाइयों की ट्रालियों को, ताकि कहीं रुकावट ना हो बीच में, वो सीधी जहां वो लेके जाना चाहता है मंडी में किसी भी दुकान पर वहां तक पहुंच जाए, और जो ट्रक लोड होके जाएगा मंडी से बाहर उसको भी रास्ते में कोई अवरोध या रुकावट ना हो, वो जहां गोदाम में लेके जाना चाहता है, हम रास्ता इस बार क्लियर रखेंगे। और ये हमने मीटिंग में भी आढ़तियों से, प्रधान जी से रिक्वेस्ट की है कि सभी आढ़तियों को इसके लिए जागरूक करें कि रास्ता जो है हमारा पीली पट्टी के बीच में, सड़क के बीच में जो पीली पट्टी है वो रास्ता क्लियर रखा जाए ताकि व्हीकलों की मूवमेंट जो है सही तरीके से होती रहे। पल जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी बार गेहूँ जो लेट है, काफ़ी नमी भी कह सकते हैं इसको, और वैसे बारिश क्या है? एक थोड़ा मौसम डिलर है इसलिए एक हफ्ता लेट आई थी, लेकिन अभी भगवान की तरफ से मौसम भी ठीक हो गया। अभी सारी कणक पकी खड़ी है और आज खरीदनी शुरू होगी। आज सुख शांति समृद्धि के लिए मंडी में पूरा सीजन शांति से गुजरे, उसके लिए मंडी एसोसिएशन ने अपना आमन भी किया है, उसके तुरंत बाद प्रसाद वितरित किया और फिर एफएससी साहब के इंस्पेक्टर और सेक्रेटरी साहब, मार्केट कमेटी और एसोसिएशन सारी पहली डेली से आज खरीद भी शुरू होगी और अभी थोड़ी देर में खड़ाड़ों की भी खरीद शुरू हो जाएगी। दोनों दिन से हर रोज माल लेंगे, बारदाने की कोई दिक्कत नहीं, बारदाना सारा बन गया और सभी से किसानों से अनुरोध है कि अपनी फसल साफ सुथरी और सूखी ले आए मंडी में ताकि आए और तुरंत उसका बिक जाए। बिल्कुल, आपको बता दें कि अनाज मंडी में जो आज गेहूँ की जो खरीद थी वो सुचारू रूप से हो चुकी है और भी किसान और आर्थिक कितनी एजेंसियाँ यहाँ पर खरीद करने के लिए आई, कौन कौन सी एजेंसियाँ? यहाँ पर दो एजेंसियाँ और भी है, दोनों एजेंसियाँ खरीद करने के लिए आ गई और उनका सबका बारदाना भी यहाँ पहुँच गया, क्योंकि अब की बार थोड़ा सीजन लेट है। क्यों अब की बार उसकी जो ज़्यादा सर्दी की वजह से गेहूँ लेट है और जो आ रही है उसको थोड़ा सुखा करके, जो थोड़ी बहुत उसके अंदर नमी है तो उसको सुखा करके तब गवर्नमेंट उसको लेगी। और आज गवर्नमेंट ने परचेज शुरू कर दिया DFS से। आज कितना कितना माल खरीदा है? बस अभी एक ही डेयरी खरीदी है, स्टार्टिंग है। हाँ, स्टार्टिंग ही करी है और आज अपना मंडी की सुख शांति के लिए एक ओमन भी किया गया जिसमें भाई सभी जैसे हमारे पल्लेदार भी हैं सभी और आड़ती भी हैं, उनकी सुख शांति के लिए और जिम्मेदार भी आपके हैं, सभी का यहाँ सहयोग मिला और यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से ओमन भी कराया गया और प्रसाद भी बनाया। हम किसान भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई एक अपनी फसल जो है पूरी पका के कटें, अगर यहाँ पर गिल्ली आएगी तो सुखाने की कोई जगह नहीं होती। मैं तो किसान भाइयों को यही कहूँगा कि भाई सभी सुखा कर ही काटें ताकि अंधे ही भरे जाओ, बारदाना सब के पास है, दोनों एजेंसियों ने बारदाना पूरा उनके पास है, तो एक बारदंडी की दिक्कत। आज से अनाज मंडी में जो खरीद थी वो सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है और आपको ये भी बता दें कि इसमें जो एजेंसियाँ खरीद कर रही है DFSC और हैपर, और बिल्कुल जो आड़ती हैं उनका बिल्कुल साफ तौर पर ये भी कहना है जो भी किसान है वो नमी वाली गेहूँ ना लेकर उसको बिल्कुल सुखा के लाए ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मेरे साथ निर्मल संधू के साथ महनपाल के साथ पंजाब केसरी टीवी इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।